एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको ऑपरेटिंग साइकिल मेथड भी समझाया था। आज उसी पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। आपको रॉ मटेरियल गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग, WIP गिवन है, फिनिश गुड्स गिवन है, सन्डरी डेटर्स गिवन है, सन्डरी क्रेडिटर्स गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन द ईयर गिवन है, कैरेज इनवर्ड है, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इन द ईयर, डेप्रिशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर गिवन है, एडमिन एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 80,300, और आपको कहा है क्वेश्चन में अज्यूम 365 डेज इन ईयर, मीन्स आपको ईयर में 365 डेज ही अज्यूम करने हैं। अब ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट करना होता है। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज अब एम प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। तो सबसे पहले हम एम कैलकुलेट करते हैं, मटेरियल स्टोरेज पीरियड, और उसका फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेली एवरेज कंजम्पशन। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है रॉ मटेरियल का। ओपनिंग स्टॉक है 4300 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 4700, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका एवरेज आ जाएगा। और साथ ही आपको रॉ मटेरियल का एनुअल कंजम्पशन गिवन है, दैट इज़ अ 16,425, इसको हम 365 डेज से डिवाइड कर देंगे, ये आपका डेली कंजम्पशन आ जाएगा। ये जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 डेज। आपका एम कैलकुलेट हो गया। सेकंड, अब हम कैलकुलेट करेंगे WIP। WIP और प्रोडक्शन प्रोसेस पीरियड, प्रोडक्शन प्रोसेस पीरियड जिसे हम W से डिनोट करते हैं, W इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय डेली एवरेज फैक्ट्री कॉस्ट। अब हम हमारे क्वेश्चन में देखते हैं, हमें कहीं भी फैक्ट्री कॉस्ट गिवन नहीं है, हाँ कुछ फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हमको गिवन है, तो उनकी हेल्प से हम फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये आपको 3000 गिवन है। इसमें ऐड करेंगे हम कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ये आपका 16,425, और ऐड करेंगे हम वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी आपके खर्चे हैं, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये आपका 11,575, और कुछ फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी आपको गिवन है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये हैं 8,800। इन सबको जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारा आएगा 39,800। उसमें हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। WIP का क्लोजिंग स्टॉक हमें 5000 गिवन है। जब हम इसमें से 5000 लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 34,800। अभी जो फैक्ट्री कॉस्ट आई है ये एनुअल फैक्ट्री कॉस्ट है, मींस अब आप इसको 365 से डिवाइड करके आप इसको डेली एवरेज फैक्ट्री कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपका, हम यहाँ पुट कर देंगे 3000 प्लस 5000 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपका एवरेज स्टॉक ऑफ WIP, और डेली एवरेज फैक्ट्री कॉस्ट हमने एनुअल निकाला है 34,800 डिवाइडेड बाय 365। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 42 डेज। अब नेक्स्ट फिनिश गुड्स निकालना है हमको, एफ फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड
F equals to average stock of finished goods divided by daily average cost of goods sold. Daily average cost of goods sold. मीन्स आपको सी ओ जी एस डेली एवरेज सी ओ जी एस कैलकुलेट करना है. उसके लिए हम पहले एनुअल सी ओ जी एस, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हमें एनुअली गिवन है, उसके बेस पर हम एनुअल सी ओ जी एस कैलकुलेट करके उसको 365 से डिवाइड कर देंगे. तो सी ओ जी एस हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओपनिंग स्टॉक ऑफ finished goods ये आपको दिया है 5000 रुपीस का. ऐड करेंगे इसमें हम फैक्ट्री कॉस्ट. ऐड फैक्ट्री कॉस्ट, हमें पता है अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 34800 इसको हमने ऐड कर दिया, दैट इज अ 39800. इसमें लेस करते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये है आपका 7000 का क्लोजिंग स्टॉक आपको फिनिश गुड्स का गिवन है. क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको सारी यहाँ गिवन है, उनके बेसिस पर ही हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं. ये आ जाएगा आपका 32,800. अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे. F equals to एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. एवरेज फिनिश गुड्स का हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है दैट इज़ अ 5000 और हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है ये है हमारा 7000 का डिवाइडेड बाय हमने सी ओ जी एस कैलकुलेट किया है वो हमारा आया है 32,800 डिवाइड कर देंगे उसको हम 365 से. और ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अप्रॉक्स 67 डेज. ये हमारा एफ निकल गया. अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है डेटर्स कलेक्शन पीरियड जिसको हम डी से भी डिनोट करते हैं. डेटर्स कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय डेली एवरेज सेल्स. यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि यहाँ जो हमें जो सेल्स चाहिए होती है वो क्रेडिट सेल्स चाहिए होती है. हालांकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है तो हम ये मानते हुए चलेंगे दस होल सेल इज अ क्रेडिट सेल. तो एवरेज डेटर्स हम देख लेंगे. ओपनिंग डेटर्स हमारे हैं ₹8,820 के और क्लोजिंग डेटर्स हैं हमारे 7020 डिवाइडेड बाई 2. तो डिवाइडेड बाय डेली एवरेज सेल्स हमारा एनुअल सेल्स जो है हमारी 80,300 के गिवन है हमको क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय 365. हमने यहाँ पर ये माना है द होल सेल इज अ क्रेडिट सेल क्योंकि कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कितनी क्रेडिट सेल है और कितनी कैश सेल्स है. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7920 डिवाइडेड बाय 220 इक्वल्स टू 36 डेज. अब हमारा लास्ट सी कैलकुलेट करना है क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड. इसके पेमेंट पीरियड इन सबको कैलकुलेट करने के बाद फिर हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट करेंगे इक्वल्स टू एवरेज क्रेडिटर्स. इसका जो फॉर्मूला है एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय डेली एवरेज परचेज. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो परचेज होता है हमारा वो भी क्रेडिट परचेज ही होता है. क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है तो हमें मानते हुए चलेंगे कि सारी परचेजेस हमारी क्रेडिट परचेज है. तो एवरेज क्रेडिटर्स हमारे हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स हमारे हैं 2100 के
और क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे हैं 3180 के, डिवाइड बाय 2 करके एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे इसका। डेली एवरेज हमारा जो परचेज है वो एनुअल परचेज हमारा है 16,060 का, इसको 365 से डिवाइड करके हम डेली कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 2640 डिवाइडेड बाय 44, ये कैलकुलेट करेंगे हमारा 60 डेज आ जाएगा 60 डेज। अब हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इसको हम OC या OB बोलते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड O इक्वल्स टू M प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। हमने M कैलकुलेट किया 100 डेज, W कैलकुलेट करा 42 डेज, F कैलकुलेट किया 67 डेज, D कैलकुलेट किया 36 डेज और C कैलकुलेट किया हमने 60 डेज। ये कर जब हम इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 185 डेज। देन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इज 185 डेज। अब ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कॉम्पिटिशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। वर्किंग कैपिटल WC इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकल्स इन अ ईयर। अब इसके लिए हमको टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए। पहले टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने ऊपर COGS कैलकुलेट किया था, उस COGS में दैट इज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन हमको टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए, उसमें हम एडमिन और सेलिंग के एक्सपेंसेस भी ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू रुपीज 32,800। ऐड करेंगे हम इसमें एडमिन एक्सपेंसेस ये हमें गिवन है 20,500 के, और इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, ये हमें गिवन है 8,200। जब हमने इसमें इसको ऐड किया तो ये आया हमारा 61,500। अब हमें टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई हमारी। अब हमें नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन ईयर कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ डेज हमें 365 गिवन है और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हमने कैलकुलेट किया, हमारा आया 185। इसको कैलकुलेट किया तो हमारा 1.97 आएगा। अब इसे हम यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी आई 61,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल हमारी आई 1.97। और ये जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आया ₹31,218। तो हमारा जो आंसर है वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है, ₹31,218 की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।